पहाड़ की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर बनी रेखा पांडे। पति की तबीयत बिगड़ी तो पत्नी ने पेश की मिसाल। रानीखेत की पहाड़ियों पर दौड़ाती है सवारियों से भरी गाड़ी। रोजी रोटी के लिए महिला का ये साहसिक कदम। अपने सैनिक पति की तबीयत बिगड़ने पर महिला ने अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए कार चलाना शुरू कर दिया। सवारियों को उनकी मंजिल तक छोड़कर वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करने लगी है। पहाड़ की महिलाएं हमेशा से ही त्याग और बलिदान का प्रतीक रही हैं, और उसका उदाहरण समय समय पर कई महिलाओं ने दिया है। और आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसने घर गृहस्थी के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिकी को भी मजबूत करने का काम किया है। अपने सैनिक पति की तबीयत खराब होने के बाद उस महिला ने ऐसा साहसिक कदम उठाया है जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से लेकर शहर की गलियों तक ये महिला अपनी गाड़ी घुमाती है। सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर ये महिला बन गई है मशहूर टैक्सी ड्राइवर। जी हाँ, एक महिला टैक्सी ड्राइवर। कौन है ये महिला, कहां से ये गाड़ी चलाती है और क्यों उसे ऐसा करना पड़ा है, सब कुछ जानेंगे आज इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। पहाड़ की महिलाओं को हमेशा त्याग और मेहनत के लिए याद किया जाता है, लेकिन आज एक ऐसी महिला के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो रानीखेत की खूबसूरत वादियों से लेकर हल्द्वानी शहर की गलियों तक अपनी गाड़ी घुमाती है। और उनकी गाड़ी में महिलाओं से लेकर बच्चों तक, पुरुषों से लेकर बुजुर्गों तक सफर करते हैं। इस डेयरिंग लेडी का नाम है रेखा पांडे, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। ये महिला ड्राइवर रोजाना रानीखेत से हल्द्वानी को सफर करती है। रेखा पांडे ने मॉडर्न जमाने के लिए एक उदाहरण पेश किया है। आपने महिलाओं को गाड़ी चलाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन शायद पहाड़ों में ऐसी महिला जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए गाड़ी चलाती हो आपने शायद ही देखी हो। आपको बता दें कि रेखा के पति सेना से रिटायर होकर गाड़ी चलाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से रेखा के पति की तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर रेखा ने गाड़ी चलाकर परिवार की रोजी रोटी के लिए ये साहसिक कदम उठाया है। ये महिला अपने घर गृहस्थी का सारा काम निपटाकर सुबह सवारियों को लेकर रानीखेत से हल्द्वानी निकलती है। आपको बता दें कि हल्द्वानी और रानीखेत की दूरी करीबन 80 किलोमीटर है। समाज की वो महिलाएं जो आर्थिक तंगी की वजह से परेशान रहती हैं, उन महिलाओं के लिए रेखा पांडे एक प्रेरणा बनी हैं। मैं आपको रेखा पांडे का एक मैसेज सुनाता हूं, सुनिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा पांडे फ्रॉम रानीखेत। मैं सभी महिला शक्ति को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने स्तर पर कुछ भी नया करने के लिए झिझकने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने इस टाइम पे अपने आर्थिक मजबूती के लिए भी ये कदम उठाया, और महिलाओं से भी निवेदन है कि आप पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। पहाड़ की इस डेयरिंग लेडी की बात करें तो रानीखेत के सुदामापुरी की रहने वाली है। रेखा पांडे के पति सेना से रिटायर है और रेखा ने 7 साल पहले ही गाड़ी चलाना सीखा था। रेखा के पति की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी, ऐसे में रेखा ने कमर कस ली और 1 महीने पहले ही एक दिन रेखा को गाड़ी चलाने का ख्याल आया, और फिर क्या था, रेखा ने रानीखेत से अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले रेखा कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी थी, जहां वो महिलाओं को प्रेरणा देती हुई दिखाई देती थी, और अब उन्होंने इस अनोखे काम से भी हर किसी को प्रेरित किया है। इसके अलावा उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी फोन पर रेखा को शुभकामनाएं दी हैं और उनकी खूब तारीफ की है। सुनिए। रेखा जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपने महिलाओं को एक नई प्रेरणा देने के लिए खुद अपना कारोबार चुना। जी सर। और रानीखेत से हल्द्वानी आप टैक्सी के रूप में काम कर रही हैं। आपने समाज को एक बहुत बड़ी मजबूती दी है, आपका परिवार भी समृद्ध होगा और लोग भी इससे कुछ सीखेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। रेखा पांडे ने अपने घर गृहस्थी के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिकी को भी मजबूत करने का काम किया है, और ऐसा नहीं है कि रेखा सिर्फ पैसा ही कमाती है। उनके इस साहसिक कदम से वो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब छाई हुई है। उनकी टैक्सी सर्विस की हर कोई तारीफ कर रहा है। उनके पति की तबीयत ठीक ना होने से उन्होंने घर की रोजी रोटी चलाने का जिम्मा उठाया है।
जिसमें वो कारगर सिद्ध हुई है। अगर कभी आपने रेखा पांडे के साथ सफर किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी तरफ से पहाड़ की ऐसी साहसिक महिला को सैल्यूट, शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें उत्तराखंड।